लोग कहते हैं पूर्वोत्तर के लोगों की आंख छोटा है, हमारी आंख भी छोटा है मगर देखने में बहुत अच्छे तरह से देख सकता हूं। छोटे आंख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं। बहुत भावना वाला बात है हमारे लिए, कहते हैं कि हम लोग जनजाति हैं। बहुत बार अगर हम अपने विषय में अपने सोच विचार के बारे में हम बताएंगे तो आप सोचेंगे कि भाजपा का अध्यक्ष है नागालैंड का तो वो भाजपा वाला बात बोल रहा होगा, मगर वैसा नहीं है। हम एक हिंदुस्तानी होने वाला बात बोल रहे हैं। हम 1999 में ताजमहल देखने गए थे, उस समय आम आदमी की लाइन में हमारे देशवासियों के साथ हम भी जोड़ गए। इतना लंबा लाइन में रुकने के बाद जब काउंटर पहुंचा, मुझे दो आदमी लेके दूसरा लाइन में लेके गया। मुझे मालूम नहीं था मगर उस समय में घुसने के लिए $20 लेते थे, तो $20 तो जिंदगी में हमको उस समय में मिला भी नहीं और देखा भी नहीं था। तो उस तरह होके मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम नागालैंड से हैं। तो उस समय हम जब बोला वहां के लोगों को कि मैं नागालैंड से हूं, तो किसी ने यह भी पूछा कि कौन सा लैंड, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड, कहां कौन सा लैंड से। तो हम उस दिन को नहीं भूलते हैं और आज के इस दिन को भी कभी नहीं भूलेंगे। कहे भारत माता की जय, कहिए ना, गर्वान महसूस होते हैं। अब पूर्वोत्तर में बहुत सारे स्थानों में जाइए, सन्नाटा के आवाज के सिवा कुछ और जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि गलत नैरेटिव लेके आया गया है। भारत माता की जय बोले तो चुपचाप रहेंगे। आज भी ऐसे स्थाने हैं जहां आप भारत के ध्वज को लहराना चाहेंगे तो आप अकेला हो जाएंगे, आपके साथ देने वाला नहीं रहेंगे। यहां तो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के बाद तो आप तो फेंक देते हैं नाले में या डस्टबिन में छोड़ देते हैं। तो हम लोग तो कभी सोचते हैं कि आप लोग तो सौभाग्य है कि आप लोग यहां अपने इतना विशाल देश के साथ इतना स्वतंत्रता से आप जी रहे हैं, फिर भी उन नैरेटिवों को अभी तक सुधरने के लिए हम सबों का कोशिश नहीं हो रहा है। हमारी पूर्वोत्तर की देश के लोग भी यहां आते हैं, आप लोग संभाल के आपकी बेटी और बेटियां और भाइयों को, आपके बच्चों को जो पूर्वोत्तर से आते हैं, मेहरबानी करके आप लोग उन लोगों को संभाल के आपके घरों में, आपकी कॉलोनियों में आप साथ दीजिए। थोड़ा सा देख रेख में थोड़ा बदलाव होगा, थोड़ा सा खान पान में थोड़ा अलग होगा, मगर मन तो एक ही होगा। हमारे देश की इतिहास महान इतिहास है। मैं हमारे लोगों को क्या कहता हूं आपको मालूम होना चाहिए। हिंदुस्तान, भारत एक सनातन देश है, ना इसका कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। इस सनातन देश का एक सनातन प्रधानमंत्री, माननीय लोकप्रिय महान मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी मार्गदर्शन में आज हमारे देश आगे बढ़ रहे हैं। सनातन होने का एक स्वरूप सबको लेके चलने का, चाहे इस देश का ईसाई हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध धर्म के लोग हो या अपना, मैं आप लोगों को हिंदू नहीं मानता हूं, सनातन मानता हूं। आप सबको लेके चल रहे हैं, हमें भी दूसरे धर्म के लोगों को भी सनातन के साथ रहने का और उस चीज को स्वीकार करने का मनोबल होना चाहिए और समझना चाहिए। अगर ये देश सनातन नहीं होता तो हम लोग आज इस स्थान में नहीं होता। और हमारी हिंदू भाइयों और बहनों को मैं बहुत नमन करता हूं, क्योंकि आप लोगों की विचारधारा में सनातन है, सब चीजों में हर रूप में भगवान देखता है, इसलिए आप सबों को लेकर चल रहे हैं। ये देश सिर्फ अपने देशवासियों के लिए एक एग्जाम्पल नहीं है, विश्व के लिए एक एग्जाम्पल है।